हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात आपके साथ। कहते हैं जब एक बच्चे का जन्म इस दुनिया में होता है तो सबसे ज़्यादा खुश उसके माँ बाप होते हैं। वो अपने माँ बाप के अधूरे सपने के साथ साथ अपना दुख सुख और अपना भाग्य लेकर आता है। माँ बाप अपनी सारी खुशियाँ अपने बच्चों में ढूंढते हैं और भगवान किस्मत वालों को ही बच्चे के रूप में माँ की कोख में धरती पर भेजते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जिंदगी चाहे भगवान ने जैसी भी दी हो, खुल कर जीनी चाहिए। सुख हो या दुख में बीते जिंदगी, अपने सपने पूरे करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। वो कहते हैं ना दोस्तों, क्या पता कल हो ना हो, इसलिए ना टूट कर बिखरो इस तरह जमीन पर, हमेशा उड़ो आसमान में, क्योंकि आसमान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सपने बुन सकते हो और उस सपनों को पूरा कर सकते हो। सुनैना की लाइफ स्टोरी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी इस छोटी सी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखी और अपने सपने को पूरे करने के लिए जिंदगी में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, सुनैना के संघर्ष की कहानी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनैना की लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे की कहानी यहाँ से। तभी सायरन की आवाज़ आती है तो सुनैना देखती है पुलिस अपनी गाड़ी लेकर पहुँचती है और पुलिस गाड़ी से उतरती है। फिर वो सुनैना की तरफ देखकर बोला, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, चोर पकड़ा गया है, हम थाने में ले जाकर उसको सजा देंगे, ये लीजिए अपना हैंडबैग। सुनैना हैंडबैग ले लेती है। तभी सुशांत को होश आ जाता है। पुलिस सुशांत की ओर देखकर बोला, आपको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो सुनैना बोलती है, यस सर, मैं अभी सुशांत को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। तब सुशांत सुनैना के कंधे का सहारा लेकर उठता है। सुनैना टैक्सी ड्राइवर को बोलती है, हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी ले चलिए। फिर सब गाड़ी में बैठते हैं। सुनैना हैंडबैग रिया को देकर बोलती है, लो अब हैंडबैग को अच्छे से रखो, देखो इसमें सारी चीज़ें हैं ना। तो रिया हैंडबैग लेकर देखती है और बोलती है, हाँ दी सब चीज़ें हैं। टैक्सी ड्राइवर हॉस्पिटल के पास गाड़ी ले जाकर रोकता है। सुशांत और सुनैना हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर सुशांत के सर पर पट्टी बांधता है, उस पर लगे ब्लड को साफ करता है, फिर पट्टी बांधता है। फिर सुनैना काउंटर पर से दवा लेती है और डॉक्टर की फीस दवा की पेमेंट करती है। हॉस्पिटल से दोनों बाहर आते हैं। सुनैना सामने की दुकान से सुशांत के लिए फल खरीदती है तो सुशांत सुनैना को मना करता है, रहने दो यार, मत लो ये सब। तब सुनैना सुशांत के मुंह पर उंगली रख देती है और बोलती है, चुप रहो ना, तुम्हारे सर से ब्लड बहुत निकल गया है, इसलिए तुम्हें फल खाना बहुत ज़रूरी है। देखो डॉक्टर ने भी तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है। तब सुशांत बोलता है, ओके माय स्वीट हार्ट, जो करना है जल्दी करो। फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं। टैक्सी ड्राइवर कुछ ही घंटों में सुशांत के घर के पास गाड़ी रोकता है। सुनैना डोरबेल बजाती है। सुशांत की मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो सुशांत के सर पर पट्टी बंधे हुए देखकर शॉक्ड हो जाती है।
बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी लगी? तो सुशांत बोलता है, कुछ नहीं मॉम, रास्ते में गिर गया था तो चोट लग गई थी। सुनैना ने मेरी मरहम पट्टी डॉक्टर से करवा दी है, अब पहले से ठीक हूँ मॉम। तो सुनैना सुशांत की मम्मी को फल देती है, बोली, ये सुशांत के लिए है आंटी, आप सुशांत का ध्यान रखना, बोलकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है और सुशांत और आंटी को बाय बोलती है। फिर सुनैना टैक्सी ड्राइवर को अपने घर तरफ जाने को बोलती है। थोड़ी ही देर में टैक्सी ड्राइवर सुनैना और रिया को उसके घर पहुंचा देता है। सुनैना डोरबेल बजाती है, रिया अपने हैंडबैग से रुपये निकालकर टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करती है। सुनैना की मम्मी दरवाज़ा खोलती है, बोली, घूम आई बेटा? सुनैना बोलती है, हाँ मम्मा, बट सुशांत के साथ बहुत बुरा हुआ। अब क्या हो गया सुशांत को? सुनैना की मम्मी बोलती है। तो सुनैना रिया की हैंडबैग को चोर छीनकर भाग गया था और सुशांत की चोर से फाइट की बात और सुशांत के सर में चोट लगने की सारी बातें मम्मी को बताती है। तो सुनैना की मम्मी बोलती है, ये तो बहुत बुरा हुआ सुशांत के साथ, बोलकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तब सुनैना बोलती है, आप टेंशन मत लो मम्मा, मैं डॉक्टर के पास सुशांत को ले जाकर उसकी ड्रेसिंग करवा दी थी, अब सुशांत पहले से ठीक है मम्मा।